आज 4 मई 2020 जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्लियामेंट हमारा जो नॉन पॉलिटिकल ट्रस्ट जिसका आज सालाना दिन जो हमने बड़े जोश और खरोश के साथ मनाना था, बहुत सारी स्ट्रेटजीज को हमने फ्रेम करके रखा था कि हम जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्लियामेंट ट्रस्ट के आज के सालाना दिन पर सालाना तकरीब पर उन्हें सरंजाम देंगे, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि आज इन व्यू ऑफ कोविड-19 इसकी कड़ी को समझते हुए, इन हालात को समझते हुए, इस सिनेरियो को समझते हुए आज हमने जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्लियामेंट ट्रस्ट की वर्किंग कमेटी और हमारे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबरान हैं उन्होंने ये मुत्तफिका तौर पर फैसला लिया कि हम जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्लियामेंट ट्रस्ट का जो सालाना दिन है यानी हमारा जो एनुअल डे है वो इंशाल्लाह हम जब हालात ठीक हो जाएंगे, जब हालात साजगार हो जाएंगे तो हम इसे बेहद खुशअसलूबी और खूबसूरती के साथ इंशाल्लाह इसका इनकाब करेंगे। मैं अपने तमाम मेंबरान से जो जम्मू डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकाजात से हमारे साथ मुंसलिक हैं या कश्मीर रीजन से हमारे साथ मुंसलिक हैं, मैं तमाम को ये इतला देना चाहता हूँ कि आज का हमारा जो प्रोग्राम मुनक़द होना था सालाना दिन के मुनासबत से वो हमने आज मुलतवी किया और तब तक जब तक हालात ठीक ना हो जाते। इसके अलावा मैं आज के इस मौके पे तमाम उन लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जो फर्स्ट वॉरियर्स हैं इस वक्त इस सिनेरियो में, इस कोविड-19 के चलते, चाहे वो हमारी फोर्सेस हों, चाहे वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे यूटी लेवल की जो हमारी टॉप लीडरशिप है वो हो, या जिसमें मेडिकल स्टाफ, वो पैरामेडिकल स्टाफ से लेके जो हायर अथॉरिटीज, जो मेडिकल स्टाफ, जो मेडिकल डिपार्टमेंट की हैं वो हों, मैं सबको जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्लियामेंट ट्रस्ट की जानिब से, दिल की गहराइयों से, तमाम मेंबरान की जानिब से, तमाम अरकान कमेटी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जिस जज्बे, जिस लगन के साथ उन्होंने इस वक्त तक जो अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी अंजाम दी हैं, इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में चाहे किसी तरह के भी हालात बन जाएं वो बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और अवाम की फलाह व बहबूद और अवाम की सेफ्टी के लिए जो सेफ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो अडॉप्ट करेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्लियामेंट ट्रस्ट के तमाम वॉलेंटियर्स, कश्मीर के, जम्मू के, रजौरी, पुंछ के तमाम इलाकाजात से जो हमारे साथ पिछले 3-4 सालों से मुंसलिक हैं, तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज हमारा सालाना दिन था और आज हमें एक साल और मुकम्मल हुआ अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को लेके, और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम सिविल सोसाइटी का, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव टीम्स का, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का और तमाम उन आम लोगों का जिन्होंने हमें हर इनिशिएटिव में हमारा साथ दिया, हमें सपोर्ट किया, इनकरेज किया और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ हमें ये अप्रिशिएट किया कि हम इन एक्टिविटीज़ को आने वाले वक्त में भी कंटिन्यू रखें ताकि समाज की डाउन टूडन जो सेक्शंस हैं, जो डाउन टूडन समाज की जो जो ग्रुप्स हैं उनकी फलाह व बहबूद को मद्देनजर रखते हुए हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको हम और ज़्यादा खुशअसलूबी के साथ अमली जामा पहना सकें। और साथ ही साथ आज मेरे साथ यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जनाब आसिफ खान साहब, हमारे सिटी इंचार्ज स्टूडेंट बोर्ड जनाब सुमित सैगल साहब और तमाम लोग जो आज हमारे इस इवेंट में शामिल ना हो सके क्योंकि हमने इसको अवॉइड करने की कोशिश की कि आज हम इस तकरीब को मुनक्कद ना करें सोशल डिस्टेंस को कायम रखते हुए और जो 3 या 4 लोगों से ज़्यादा जो है वो गैदरिंग ना कर सकें, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज हमने प्रेस ब्रीफ का इनेकाद किया ताकि हम ये कन्वे कर सकें मैसेज कि आज जो हमारा सालाना दिन मुनक्कद होना था वो हमने मुलतवी किया है। और इंशाल्लाह मैं तमाम यूथ से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में आप हमारी एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े रहें, हमारी जो सोशल इनिशिएटिव्स हैं, जो नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे हमारे जो वॉलेंटियर एफर्ट्स हैं वो जो हम कर रहे हैं उनमें आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम जो गरीब और मस्कीन लोगों की फलाह व बहबूद के लिए जो इनिशिएटिव्स हम फ्रेमवर्क कर रहे हैं उनमें हम अच्छे से उनको अमली जामा पहना सकें और इन फ्यूचर हम बड़ी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ें। और इस मौके पे मैं आज सालाना दिन के इस मौके पे मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करूंगा, खासकर पुंछ रजौरी की और जो जम्मू कश्मीर की जो फार फ्लंग एरियाज की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वक्त एक मौका है कि हम उन गरीब लोगों की दुआएं जो है वो हासिल करें, जहां तक हो सकता है आप जो नीडी पीपल हैं उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो जो जनरल डिमांड्स हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करें, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें और टू कॉम्बैट कोविड-19 प्रिकॉशंस को जो है वो अडॉप्ट करें, सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट करें,
खुद को, अपनी फैमिली को, अपने एडजाइनिंग को सिक्योर रखें। शुक्रिया।